बार फिर आगल बानी मनावे आप दर्शक लोग के साथ छठ के त्योहार। आज कइल जाई छठी मैया के ध्यान और गोहरावल जाई सूरज देव के, सुनल जाई एक से बढ़कर एक छठ मैया के सुंदर गीत। भोजपुरी माटी से जुड़ल ऐसा कहानी बनल बहुत जरूरी बा, जहाँ एक रिलेशनशिप हो गए, जहाँ कहा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम नारा देवे से ना हो, हमने को ऊपर करे के पड़ेगी भाई, मैं हम करके करके दिखाओ था कि ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब आप लोग से बात करके मैंने इतना अच्छा लगा था कि जाए देवे के मन तो नहीं करत, लेकिन चूंकि शो के ये फॉर्मेट बा टाइमिंग बा, तो बस जाते जाते आप दोनों लोगों से एक आखिरी सवाल कि भोजपुरी सिनेमा के मतलब जो नया एक्टर जो भी आवत लोग इंडस्ट्री में, वो लोग खातिर कोनो संदेश रहुआ लोग के तरफ से? तो ये तो बहुत अच्छा सवाल करी रहुआ। तो सबसे पहले तो जो नया एक्टर लोग सोशल मीडिया पर काम मांगता लोग, वो खातिर स्पेशली हम बोल चाहते हैं कि एजा काम मांगल बंद कर दी। काम खातिर आपके पानी में उतरे के पड़ी, गहराई तब पता चली। तो हमारे कहे का मतलब ये बाकी आप आई अपन टैलेंट दिखाई, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिली जे काम देवेला, काम एक्टर ना देवेला, प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम देवेला, जो हमने कहले बन जा वो सबसे सही तरीका बा, सही रास्ता बा। ओ में अगर पास तो दूर तक चल जाइबा, ना तो फिर कोई मतलब नहीं के पैसा लगा के भी लोग करना होगा। और एगो बहुत बात बोलल चाहे, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए ना, भोजपुरी सिनेमा के लेके ना हिंदी में कहीं और जगह तो सीरियल वगैरह से जुड़ल बनी, बहुत थोड़ा लोगों के हीन दृष्टि रहेगा, ये नहीं भोजपुरी में अच्छा फिल्म ना बनला। लेकिन जैसे संघर्ष जैसा फिल्म बनल बा, जैसे पराग जी, पराग पाटिल जी, हमारे रत्नाकर जी, जो ने कोशिश कर लिया, ये कोशिश हमेशा एकदम बरकरार रखे के चाहिए, ऐसे ही फिल्म आगे बने, ताकि हम फक से कहीं जाके हमारा भोजपुरी में ऐसा फिल्म बनेला और आप जाके देखी और हमें अश्लीलता ढूंढ के बताइए कहाँ बा। कि हम एगो रिक्वेस्ट कर चाहतनी और स्टार गायक के भी हम रिक्वेस्ट कर चाहतनी कि जो नया लड़के आवत रहे, जो नया म्यूजिक डायरेक्टर आवत रहे, ओकर गाना चुरा के फिल्म में ना गावल जाओ, ओकर म्यूजिक ओकर ट्रैक उठा के फिल्म में ना गावल जाओ। कितना गायकन के साथ शोषण कर जा रहा बा, इस चीज़ के हमारा दुख बा, कारण कि हम गायकन के प्रति हमेशा समर्पित रह बानी। तो हम गायकन खातिर जरूर दुखी रहें कि नया गायक जो अच्छा गावता ओकरा वहाँ स्टार होके के पहले यहाँ दूसरे स्टार गायक गाना गा देता रहे। तो हम चाहब चैनल के माध्यम से कि नया गायक और नया राइटर के मौका दिया जाए, नया म्यूजिक डायरेक्टर के मौका दिया जाए, जो स्टार बन के बैठल बा वो कम से कम चोरी करके वो गायक के ऊपर शोषण ना करे, मौका ओकरा के देवे के चाही जे टैलेंटेड, और जो जे टैलेंटेड बा ओकरा के भी मौका दे, क्योंकि इंडस्ट्री इतना बड़ इंडस्ट्री के एगो गोद बा कि वो सब लोग के ग्रहण कर सकेला। अगर 1,00,000 भी कलाकार रोज आवस तो रोज ओकरा के रोटी रोजी रोटी देवे के पूरा ग्रहण करे के ओकरा में बाट कैपेसिटी बाट, तो फिर नया गायकन के काहे दबावल जाता या नया म्यूजिक देवे ला काहे दबावल जाता, और चेंजिंग चाहिए। डिस्कशन का तो वैसे भी क्योंकि जितनी बातें हम करेंगे बातों से और बातें निकलेंगी। बहुत मजा आ रहा था आप दोनों से बात करते हुए, और शायद पहली बार हम ऐसे बैठकर कोई चर्चा कर रहे हैं। और इन लोगों का जो संदेश है वो आप सब जो भी घर पर हमारे दर्शक सुन रहे हैं ये आप जरूर फॉलो करिए, जो भी इनके जो भी मतलब जो संदेश है, और इनको ऐसे ही प्यार और दुलार दीजिए और बहुत बहुत लाइफ में और तरक्की करें ये लोग दिन दुना रात चौगुना। और हमारी बहुत शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए, जिसका नाम है हम लोग एक साथ बोलेंगे ट्रिप रिवाइंड गाना और बजाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर वैसा है जहाँ पर उगते और डूबते दोनों सूरज को, तो समाज की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक औरत की पूजा करके औरत नहीं मांग रही है, आदमी मांग रही है, क्योंकि उसको अपना कुल खानदान चलाना है। अड़हुल के फुलावा मैया भावरा जू ठरले हो। नमस्कार प्रणाम आप सबके, भोजपुरिया सलाम, हम मानी स्मृति सिन्हा और हम हैं प्रियंका सिंह। नमस्कार, हमने के एक बार फिर आगल बानी मनावे आप दर्शक लोग के साथ छठ के त्योहार। आज कइल जाई छठी मैया के ध्यान और गोहरावल जाई सूरज देव के, और सुनल जाई एक से बढ़कर एक छठी मैया के सुंदर गीत, और भोजपुरी सिनेमा के जंक्शन पर आई मस्ती और बातचीत के ट्रेन जौन तय करी भोजपुरी गीत और संगीत के सुहाना सफर। इस सफर के नाम है टेप रिवाइंड गाना और बतियाना। नमस्कार, चल रहा है छठ महापर्व का एपिसोड, और आज टेप रिवाइंड गाना और बतियाना के सफर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदी, भोजपुरी और मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध प्रोड्यूसर प्रदीप कुमार शर्मा जी। थैंक यू। और भोजपुरी फिल्म राज तिलक से अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सोनालिका प्रसाद जी। नमस्ते।
बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो पर। थैंक्स। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आके? बहुत अच्छा। आपने कभी सोचा था कि आप हमारे शो पर आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इच्छा थी एक बहुत बढ़िया आने की। पांच दिन तो टेप रिवाइंड गाना और बतियाना मुझे लग रहा है आप लोग देखा होगा आपने हमारे एपिसोड इसके पहले। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों का शो इतने अच्छे तरीके से दर्शकों को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो आप लोग के घरों में कैसे मनाया जाता है छठ पूजा? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अब मैं ही या यही भली भांति परिचित नहीं है। आज अच्छा। की डेट में ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। जैसे पहले था कि हम बिहारी लोग भागते थे घर की तरफ, घर जाना छठ मनाने के लिए और वहां पर भागम भाग कर रहे हैं, लेकिन अब तो मुंबई मनाया जा रहा, नागपुर विदर्भा साइड में, दिल्ली में, आप जहाँ देखो वहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। तो ये तो आजकल समझ लो आपके राष्ट्रीय पर्व के ही हो गया। आउट ऑफ इंडिया भी मनाया जाने लगा है अभी। जी जी, जो जहाँ है बिहारी, मॉस्को में मेरी फ्रेंड है, वो मॉस्को में मनाते हैं, फोटो वगैरह मेरे को भेजते हैं। मतलब पूरा फॉरेन कंट्रीज में मनाया जा रहा है। पूजा की सबसे जो महत्ता कह सकते हैं कि हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, जो छठ पर्व बेसिकली जो बोला जाता है। तो इट्स लाइक अ नेचुरल गॉड, तो जिनको हम देख सकते हैं, जिनके की हम लोग आराधना करते हैं। और अगर सूर्य नहीं रहेगा तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि हमारा अर्थ रह पाएगा। बिल्कुल, मतलब वो इनफैक्ट पांच तत्वों में से एक तत्व जो बोलते हैं, मतलब पूरी सृष्टि बनी है। और बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये सूर्य भगवान मतलब एक ऐसे भगवान है, मतलब जिनको हम लाइव सुबह शाम देखते हैं, मतलब पहले ऐसे एकमात्र मुझे लगता है भगवान है धरती पे जिनको हम लोग रोज देखते हैं, सुबह शाम उनकी आराधना करते हैं और छठ में उनकी उनको ही अर्घ दिया जाता है, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग कहा जाता है और ये कहावत भी है कि उगते सूरज को यहाँ पर सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन छठ पर्व ऐसा है जहाँ पर उगते और डूबते दोनों सूरज को हम लोग। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। आप अपनी फिल्मों के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं फिल्मों में एक्सीडेंटल तरीके से ही आया था, कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरी बेटी सिंगर है स्वाति शर्मा, बनो तेरा स्वेटर उसने गाया था, तो जब उसका गाना सुपर हिट हुआ तो मैं भी आ गया उसके पीछे। अच्छा, ये पहली दफा होगा शायद कि बच्चे के पीछे। हाँ, बेटी के पीछे आ गए। और उसके लिंक्स की वजह से मैं पहले हिंदी फिल्मों में गया, तो मेरी दो फिल्में रिलीज हुई डायरेक्टिंग पिछले साल और एक तेरा साथ। उसके बाद अभी मेरी दो फिल्में आने वाली है, हिंदी वाली है, वो जनवरी में आएगी, एक्सरे और जाको राखे साई है। और मराठी मेरी 23 नवंबर को आ रही है, पेन इंडिया कर रही है, माझा बायकोचा प्रियकर, तो ये प्रोजेक्ट है। और राज तिलक, जो जिसके लिए मैं अभी आया हूँ आप सबको बोलने के लिए, राज तिलक देखो भैया, डमरू अच्छी थी, ये उससे भी अच्छी है। सर, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं सर आपकी फिल्म को। और राज तिलक में लाइन से फिल्म में आ रही है, शुभकामनाएं लंबी देनी पड़ेगी। काफी अच्छा नाम है राज तिलक, मतलब नाम में ही इतना पावर है कि फिल्म में, मतलब दर्शक हमारे जरूर आप देखने जाइए ये फिल्म राज तिलक। तो सोनालिका जी, आप भी बताएं अपनी पहली फिल्म के बारे में, कैसे मिली आपको ये फिल्म, क्या सोचती हैं आप फिल्म की? जी जी बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी कि राज तिलक से मेरा डेब्यू हुआ सोनालिका प्रसाद का। इस फिल्म को मिलने के बहुत, आप कह सकते हो कि इट्स माय गुड लक। अवधेश सर ने मुझे रिकमेंड किया था प्रदीप शर्मा सर के सामने, और प्रदीप सर ने प्रॉपर इन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है आ गए चलो डन। तो प्रॉपर मेरा ऑडिशन हुआ था, लुक टेस्ट हुआ था, एंड फाइनली उनको लगा कि मैं फिट हूँ इस रोल के लिए, तो ही इनके फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। कैसा रोल है आपका? मेरा रोल एक बहुत ही सिंपल गर्ल का किरदार है, और कई बार कहा जाता है कि सिंपलिसिटी को निभाना कई बार बहुत ही चुनौती पूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत। तो बिकॉज किसी भी चीज़ को इजी फुल इजी वे में दिखाना, सो दैट वाज माय कैरेक्टर, कि एक लड़की जो कॉलेज जा रही है, नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही है, किस तरीके से लड़का उससे अट्रैक्ट होता है, वो शादी एक ऐसे परिवार में जा करके करती है जिनका अपना एक दबदबा है। Okay. और उसके बाद कैसे उनके परिवार में शादी होने के बाद फिर क्या उथल पुथल होता है, फिर मैं कैसे अपने पति को मोटिवेट करती हूँ। Okay. तो ये सारी चीजें हैं आपके साथ। इसमें किस एक्टर ने किया है? अरविंद कर्णी।
अरविंद कर लो क्या बात है, वेरी नाइस, इज अ वेरी नाइस एक्टर। चलिए तो राज तिलक की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आपकी जो भी फिल्में आने वाली हैं, और सर आपकी फिल्मों के लिए भी ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। तो चलिए आपसे बात करके, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आनंद आया जी। तो जाते जाते हम सब एक साथ बोलेंगे टेप रिवाइंड गाना और बतियाना। नमस्कार, हमने के साथ उपस्थित बानी भोजपुरी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता यश कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत भाई यश कुमार जी आपके। धन्यवाद प्रियंका जी, धन्यवाद स्मृति जी। शो देखे वाला जितना भी हमारे भोजपुरी के दर्शक लोग वाल हो, सब जनी के यश कुमार के प्रणाम बाटे। छठ के महापर्व आ वाला बाटे, छठ के महापर्व मतलब हम के भोजपुरिया के सबसे बड़ा त्यौहार कहल जाला। तो जितना जनी बाड़ा जा, सब जनी के छठ महापर्व के हार्दिक 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 शुभकामना। यश जी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्शन किंग बोला जाता है। हाँ, 2013 में हमारे फिल्म आई है दिलदार संवरिया, जो हमारे पहली फिल्म रहे। जब वो फिल्म आवत रहे तो हम बहुत नर्वस रहनी कि हमारा के दर्शक पसंद करी लोग कि ना करी लोग, कहाँ से कि बेसिकली हम सिंगर ना रहे। अच्छा। दिनेश लाल यादव जी रहें, पवन जी रहें, खेसारी जी रहें, लोगों ने एक ट्रेंड लेकर ट्रेंड लेके आए लोग सिंगर लोग बा जे चलत आते। तो ऐसा बहुत लोग आए जो सिंगर ना रहे लेकिन दर्शक के प्यार ना मिलल, तो हम डराइल रहनी कि का पता हमारा भविष्य के संगे का लिखले बाना भगवान। लेकिन एक चीज रहे, हम अपन मेहनत बड़ा ईमानदारी के संगे जब एक्शन करी तो ऐसा लागे कि एगो आदमी बाटे जन टाइगर नियर फाइट करा था, मारा था एकदम जोश के संगे मारा था। तो शायद उहे मरलका जो उनका गांव में हम बड़े फाइट वाइट कर ले अपने दोस्तन के साथ। अच्छा, उहे जोश दोस्तों के साथ। हाँ, मैंने दोस्त अब क्रिकेट खेलत खेलत दोस्तन के संगे दुश्मनी ना हो जाला। अच्छा, वो नकली नो बॉल दे दिया, नकली वाइट दे दिया, तो हमें पटका पटकी जो जोश के संगे होके उहे जोश हम उठा के सिनेमा में झोंक दें। तो जब सिनेमा के ऊपर मैं खुद आज भी अपने आप को पहली फिल्म में देखता हूँ तो बोलता हूँ यार गुड, तुमने अच्छा काम किया यार। तो वो जो एक्शन था उसकी बड़ी तारीफ हुई और पहली फिल्म से ही लोगों ने एक्शन किंग का काम किया। लोग कहते हैं कि एक जो सेल्फ एनालिसिस होता है, जो मतलब अपने आप को पहचानना और अपने आप की खामियां और खूबियां दोनों एक एक्टर को पता होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आपकी एक फिल्म आ रही है मैंने सुना बिटिया छठ मैया के जी, और हमने ये पता किया है कि आपकी एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है, बेटी है, और आप जो फिल्म जो लेके आ रहे हैं वो आपकी छोटी जो प्यारी बिटिया है, और छठ माँ का जो ये फिल्म ला रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत एक बड़ा प्यारा कनेक्शन है, तो वो क्या कनेक्शन है वो हम इस मंथ से जानना चाहेंगे। स्मृति जी, मैं बचपन से जब छठ की पूजा होती थी हमारे गांव में, तो हम अम्मा उम्मा जब वो एगो कलाकार जो होला ना, जो एगो एक्टर बने वाला, वो कीड़ा हमारे अंदर शुरू से रहे। अच्छा। गाँव में जब गाना में उठा जाओ ना दौरिया लेके जाओ, मर्द लोग जब गांव से निकले तो सब आगे आगे चल दे, हम मेहरगन के बीचे में जाए। काहे से कि हमरा के वो गाना सीखे के रहे, जो लोग गाना गावे जाला ना, चही बस के बहंगिया। मैंने हमेशा एक चीज देखा, एक मेरे दिल में दर्द था कि पूजा छठ माँ का कौन करता है, औरत करती है। छठ माँ कौन है, एक लेडीज है, एक स्त्री है, एक कन्या है, और जो हमारी माँ या हमारी भाभी या गांव की जो भी औरतें पूजा कर रही वो भी एक कन्या है, एक औरत है। तो एक कन्या एक औरत, एक कन्या एक औरत यानी छठी माँ का पूजा करके किसकी सुविधा, लंबी उम्र मांग रही है या तो पति की या उनसे बेटा मांग रही है, तो समाज की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक औरत की पूजा करके औरत नहीं मांग रही है, आदमी मांग रही है क्योंकि उसको अपना कुल खानदान चलाना है। ओह माय गॉड, ये बात मुझे बचपन से खटकती थी। हर बेटी के किस्मत में एक पिता जरूर होता है, हर बेटी जो भी जन्म लेती है लड़कियां उनके किस्मत में एक पिता होता है, पर हर पिता की किस्मत में बेटियां नहीं होती। जब जब देखी मिले दिल के सुकून,